हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं डिनर रेसिपी, और डिनर में बनने वाली ये आलू गोभी की सब्ज़ी हम लेकर आए हैं। तो आलू गोभी की सब्ज़ी के पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं होती है। इस सब्ज़ी का लाजवाब स्वाद ही पार्टी या फंक्शन में भी इस सब्ज़ी को अक्सर देखा जा सकता है। आलू गोभी की सब्ज़ी ड्राई और ग्रेवी दोनों तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले गोभी आलू को धोकर अच्छे से काट लें। आप जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में इसको काट लें। और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं ये गोभी आलू की रेसिपी। तो इसे बनाने से पहले हम कुछ तैयारी करेंगे। तो तैयारी करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें 2 क्लोव्स ले ली हैं ये लहसुन की 2 कलियाँ लेनी हैं। और इसके साथ ही हमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे, इनको अपने स्वाद के अनुसार ही लें। और ये अदरक का टुकड़ा कुछ बड़ा है तो मैं थोड़ा छोटा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आधा आधा इंच के 2 टुकड़े ले लिए हैं। और अब हम इनको पीस लेंगे। आप चाहें तो इन्हें पीस लें खरल में, या फिर इन्हें सिल पर अच्छे से पीस लें। पीस के हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, और जब इसमें धुआं निकलने लगेगा तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ये मेथी के सीड्स, और इसके बाद हम 1/2 चम्मच जीरा। और अब हमने ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया है इसको डाल के हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसको हमें जलाना नहीं है, ध्यान रखना है। तो गैस की फ्लेम को हमें सिम कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, 1 इंच हींग डालिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक थोड़ा टेस्ट के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर डालिए। अब हम गोभी आलू को डालकर अच्छे से इसको भूनेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको मसाले में अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, और सब तरफ से इकट्ठा कर देना है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें ये 1/2 कप पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हम इसमें नमक को स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालने के बाद हम इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर देंगे, जिससे नमक सारी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ढक कर हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और ये आलू अच्छे से गल गए हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो ताज़ा फ्रेश हरे धनिया की पत्ती डाल दें इसमें, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको 5 मिनट तक हम ढककर सिम गैस पर पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आया है। डिनर में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके साथ खाने के लिए हमने बना ली हैं रोटियां। तो यहाँ पर डिनर रेसिपी में मैंने इसे सूखा बनाया है। तरी वाली सब्ज़ी भी मैं आगे आपको गोभी की लेकर आऊँगी। आज मैंने ये डिनर रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पर सूखी सब्जी गोभी की, और साथ में हमने रोटियाँ बनाई हैं। तो ये हमारी बनाई हुई सब्जी की विधि से आप भी स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी को तैयार कर सकते हैं। गोभी आलू की सब्जी ना सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप कम मसालों को कम या ज़्यादा स्वाद में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। तो ये तैयार आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही खाने में टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी है। आप